हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खत्रीज किचन। आज हम बनाएंगे मटर मेथी मलाई, और वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल से। इसे आप रोटी, पराठा, नान या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेथी मटर मलाई बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। एक बड़ा बाउल मेथी चाहिए हमें, करीबन 250 ग्राम। इसके बड़े बड़े डंठल निकाल दिए हैं और इसे 2-3 बार अच्छे से पानी में साफ कर लिया है। 1 कप मलाई, मैंने घर की मलाई यूज़ की है, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। 1 कप मटर के दाने, 2 मीडियम साइज प्याज लिए हैं मैंने, इन्हें मैंने रफली काट लिया है। 15 से 16 काजू के टुकड़े, 10 से 12 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे मैंने काट लिया है। 5 से 6 हरी मिर्ची, इसे भी मैंने काट ली है। 2 से 3 तेज़पत्ता, 1 बड़ा चम्मच ऑयल, करीबन 1/4 कप, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक या फिर अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे, 1-2 छोटी चम्मच, और इसमें ये हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज और काजू को डाल देंगे। इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे। भूनने से क्या होगा कि प्याज का कच्चापन निकल जाएगा इसे हम ठंडा होने के लिए रख लेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। अब एक बर्तन में 1 गिलास गर्म पानी करेंगे और इसमें डालेंगे मेथी। मेथी को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, 1 उबाल आने पर हम इसे निकाल लेंगे। ज़्यादा उबालने से मेथी का कलर चेंज हो जाता है और कड़वी भी हो जाती है। उबाल आ गया है, इसे हम तुरंत ही ठंडे पानी में निकाल देंगे। अब हम मटर भी बॉईल कर लेते हैं। मटर बॉईल होते हैं तब तक हम मेथी में से सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और इसे बारीक बारीक काट लेंगे। मेथी को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, मटर भी बॉईल हो चुके हैं, निकाल देते हैं। काजू और प्याज वाला मिक्सचर जो है, इसे हम मिक्सी के जार में डालते हैं और इसका प्यूरी बना लेंगे। देखिए, इस तरह का प्यूरी बना लिया है हमने। अब कढ़ाई में बाकी का बचा हुआ ऑयल गरम करेंगे, इसमें डालेंगे जीरा, तेजपत्ता। हमने जो ये प्यूरी तैयार किया है काजू और प्याज का, इसे डालेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। गैस की आंच हमें मीडियम रखनी है और इसे चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, वरना काजू जो है वो चिपक सकता है और इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा। जार में जो पेस्ट लगा हुआ था उसमें 1/2 ग्लास पानी डालकर मैंने इसमें डाल दिया है।
अच्छे से पका लेंगे पूरी प्यूरी को। और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, मिक्स करेंगे अच्छे से सारे मसाले। अब इसमें डालेंगे मलाई, इसे भी अच्छे से पकाएंगे। ये सब्जी बनाते वक्त आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको लगातार चम्मच से सब्जी को चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने काजू का जो पेस्ट बनाया है वो जल्दी ही चिपक जाता है। और इसमें आधी गिलास पानी और डालेंगे। आप अपने हिसाब से ग्रेवी पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब इसमें मेथी और मटर भी डाल देंगे। इन्हें भी हम 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे, गैस की आंच धीमी कर देंगे। मटर मेथी दिल लगभग तैयार है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों, एकदम रेस्टोरेंट में आती है उसी तरह से। आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।